नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से दूसरे चरण की यानी कि फेस टू बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि बीएमडी इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का ट्रायल सभी बीएमडी हथियार प्रणालियों के साथ किया गया। दोस्तों इसका वीडियो भी जारी किया गया है जिसे मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया हुआ है। AD-1 जो कि लंबी दूरी के इंटरसेप्टर मिसाइल है और टू स्टेज वाली ठोस मोटर यानी कि सॉलिड मोटर से ये चलती है। ये नहीं दोस्तों, ये जो मिसाइल है वो टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए इसमें स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम लगाया गया है। लगातार दोस्तों परीक्षण पर परीक्षण भारत कर रहा है। इससे पहले अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था और उड़ान परीक्षण के दौरान इस मिसाइल की सभी जो सबसिस्टम थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ इस दौरान डेटा कैप्चर करने के लिए रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशन सहित कई सारे सेंसर्स लगाए गए थे जिन्होंने इस डेटा को मान्य किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी AD-1 की सफलता के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके की तकनीक दुनिया के कुछ ही देशों के पास है और ये भारत की बीएमडी क्षमता को अगले स्तर तक ले जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। HAL दोस्तों अब एक नई योजना पर काम कर रहा है। हालांकि इस योजना को पहले ही शुरू किया जाना चाहिए था लेकिन जब आंख खुले तभी सवेरा समझो। HAL ने दोस्तों अब ये योजना बनाई है कि वो अब किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करेगी जिसके तहत ये जो इजेक्शन सीटें होती हैं जिन्हें फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भारत में तैयार किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक 75% यानी कि 75% मार्केट पर ब्रिटिश इजेक्शन सीट मेकर मार्टिन बेकर का दबदबा है। कुल मिलाकर 1000 से अधिक जो इजेक्शन सीट्स हैं वो सर्विस में है भारतीय नौसेना और भारतीय एयरफोर्स में। और यही नहीं, ST-40 डील के तहत भी 200 ब्रिटिश इजेक्शन सीटें भी खरीदी जाएंगी। लेकिन दोस्तों कब तक हम ये खरीदते रहेंगे ये बात HAL के दिमाग में अब जाके आई। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपको मालूम है कि इजेक्शन सीटों की एक भारी भरकम डिमांड आने वाली है जिन्हें की तेजस मार्क 2 AMCA और TECHBF प्रोग्राम में भी लगाया जाना है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन बेकर की ये जो इजेक्शन सीट्स होती हैं वो ब्रिटिश सरकार को भी काफी फायदा पहुंचाती है क्योंकि अधिकतर एयरक्राफ्ट में उन्हीं की सीटें लगी होती है जिससे सीधा फायदा ब्रिटेन को होता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और सामने भी आई थी जो आप सबको मालूम भी होगी। हाल ही में अर्जेंटीना ने अपने सभी कंटेंडर्स को बोला है कि जिसमें कि भारत भी शामिल है उनका जो फाइटर जेट का टेंडर है उसमें ब्रिटिश ओरिजिन कंपोनेंट्स नहीं लगा होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों भारत अब स्वदेशी इजेक्शन सीट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, अगर भारत इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाता है तो इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में बड़ा बढ़ावा भी मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये सस्ती होगी ब्रिटिश इजेक्शन सीट के मुकाबले और इनको जो हम अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स में भी लगाएंगे उससे इस फाइटर जेट की कीमत और कम हो जाएगी। तो चीजें बिल्कुल यहाँ पर साफ हो जाती हैं कि भारत अब इजेक्शन सीट के लिए जॉइंट वेंचर की सोच रहा है। दोस्तों ऐसे में प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्हें अधिक से अधिक मौके दिए जाने चाहिए ताकि भारत ब्रिटेन के इस दबदबे को तोड़ सके जो उसने अभी तक अपनी इजेक्शन सीटों को लेकर बना रखी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है HAL को लेकर। दोस्तों HAL के चेयरमैन साहब ने कहा है कि उन्होंने तेजस को मलेशिया, अर्जेंटीना और इजिप्ट के सामने पेश किया है। साथ ही वो इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि इनमें से एक बड़ा तेजस एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी मिलने वाला है जो कि अगले 2 सालों में मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मलेशिया ने जो साउथ कोरिया के FA-50 को चुना है अभी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना बाकी है जिसका कारण है कीमतें। और अभी हाल ही में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने अपने वित्त मंत्रालय को इसके लिए रिपोर्ट भी सौंपी है यानी कि फाइनल डिसीजन आना बाकी है। HAL के चेयरमैन साहब ने आगे बताया कि अर्जेंटीना का जो डेलीगेशन पिछले महीने भारत आया था उन्होंने HAL की फैसिलिटी का भी दौरा किया और इस दौरान वो तेजस एयरक्राफ्ट से काफी प्रभावित भी नजर आए और जल्द ही अर्जेंटीना का ये डेलीगेशन अपने रक्षा मंत्रालय को एक फाइनल रिपोर्ट भी देने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इजिप्ट जिसको कि 80 लीड इन फाइटर ट्रेनर्स की जरूरत है वो भी अपने शुरुआती चरण में पहुंच चुका है जिसके लिए HAL ने उन्हें तेजस फाइटर जेट के लोकल प्रोडक्शन का ऑफर किया है वो भी तकनीकी हस्तांतरण के साथ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं और बोलना चाहूंगा वो ये है कि कई लोग जो HAL की आलोचना करते हैं उन्हें एक बात और मालूम होनी चाहिए कि जब राफेल फाइटर जेट बना था तो राफेल को भी 14 साल बाद अपना पहला निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना अब पूरी तरीके से तैयार है वाहन आधारित लॉयटरिंग म्यूनिशन लॉन्चर्स के लिए जिसकी वो 10 यूनिटें खरीदेगी बाय इंडियन कैटेगरी के तहत वो भी फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत और साथ ही इसके लिए 120 लॉयटरिंग म्यूनिशन भी खरीदे जाएंगे। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि 7.5 टन के 4x4 वाहन को मॉडिफाई किया जाएगा और उसमें कैनिस्टर फिट किया जाएगा और इनमें ऑन बोर्ड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन स्टेशन
और पावर सप्लाई सिस्टम भी लगाया जाएगा। वहीं ये जो लॉयटरिंग म्यूनिशंस है उनकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर होनी चाहिए और ये 8 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होने चाहिए, जिसमें कि ये अपने साथ हाई एक्सप्लोसिव और एंटी आर्मर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होने चाहिए। साथ ही ये 300 मीटर की ऊंचाई पर लॉयटर करने में भी सक्षम होने चाहिए। साथ ही ये ऑटोमेटेड टारगेट ट्रैकिंग क्षमता के साथ भी होने चाहिए और टारगेट एक्विजिशन डे और नाइट में भी करने में सक्षम होने चाहिए। और यही नहीं, ये लॉयटरिंग म्यूनिशन डैमेज असेसमेंट के लिए भी वीडियो डेटा भेजने में सक्षम होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के पायलटों ने पिछले 2 सालों में एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट नहीं उतारे हैं और वहीं आईएनएस विक्रांत जो कि 2023 तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा उसके लिए भी अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। यही इसके अलावा भारत के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य, ये भी पिछले 2 सालों से कोई ऑपरेशन नहीं कर पाया, जिसका कारण है कि इसमें जो रिफिटिंग का काम है वो काफी लंबा चल रहा था और ये जैसे ही पूरा होने वाला था तो इसी साल जुलाई के महीने में इसके ऑन बोर्ड में आग लग गई, जिससे कि आईएनएस विक्रमादित्य समुद्र में तैनात नहीं हो पाया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस साल के अंत या फिर 2023 की शुरुआत में इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ऐसे में तो भारतीय नौसेना के पायलटों की जो स्किल्स हैं, जो उनका अनुभव है, वो तो बेकार चला गया, तो वो कैसे इस पे फाइटर जेट्स को लैंड कराएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि दोस्तों जहां तक सवाल उठता है भारतीय नौसेना के पायलटों की ट्रेनिंग का, तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड नहीं कर रहे हैं या फिर वो शांत बैठे हैं। इसके लिए बकायदा इसकी जंप प्रैक्टिस वो लोग कर रहे हैं शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी आईएनएस हंसा से और सिमुलेटर पर। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। 6,800 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत 70 STT-40 ट्रेनर्स की जो डिलीवरी है उन्हें 2024 के बाद किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों दो एयरक्राफ्ट जो बन चुके हैं उसे HAL 2024 तक रोकेगी, लेकिन 2025 में वो 8 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करेगी और 2026 से हर साल 21 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन 21 एयरक्राफ्ट पर ईयर किया जाएगा। दोस्तों वहीं STT-40 को लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। अब HAL ने कहा है कि इसका एक हथियार बंद जो संस्करण है यानी कि वेरियंट है उसे बनाया जाएगा, जिसमें कि STT-40 पर 500 पौंड के वेपन ले जाने की क्षमता होगी और ये 12.7 mm की गन और रॉकेट से लैस होगा। और यही नहीं, ये लाइट अटैक एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाएगा। और इसका एक और फायदा भारत को मिलेगा वो ये है कि जो देश ज़्यादा महंगे एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में STT-40 उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक बड़ा उछाल भी लाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और भूटान को लेकर आ रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने रॉयल भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू के साथ मुलाकात की। यह मीटिंग ऐसे समय पर हुई है जब चीन भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर, खासकर के डोकलाम प्लेट्यू पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय सेना के जो टॉप सीनियर अधिकारी हैं वो अगले हफ्ते सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। कहा जा रहा है कि जनरल मनोज पांडे जी के नेतृत्व में सेना के जो टॉप रैंक के अधिकारी हैं वे सेना कमांडरों के सम्मेलन का हिस्सा होंगे और इस दौरान सुरक्षा और संचालन संबंधी तैयारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में सैनिकों के लिए अधिक स्वदेशी हथियार प्रणाली विकसित करने के लिए मेक इन इंडिया को डिफेंस में आगे बढ़ाने के नए तरीकों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान जी भी होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने अपनी गो ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से दिल्ली कैंट में अलग अलग स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 16 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड यूटिलिटी ताजा पावर के साथ सहयोग किया है। चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन दिल्ली क्षेत्र के GOC लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सेना के अधिकारियों और टाटा पावर और टाटा मोटर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। दिल्ली कैंट में स्थापित सभी 16 चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग दिल्ली कैंट में व्यक्तिगत और आधिकारिक इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों के लिए किया जा सकता है। भारतीय सेना चार्जर्स को एक्टिव करने के लिए अपस्ट्रीम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अब खबर आ रही है कि भारत के साथ लगी सीमा पर चाइना अपनी सड़कों को बेहतर कर रहा है और यही नहीं, वो पैंगोंग के दक्षिणी तट के सामने कुछ वैकल्पिक रास्तों को भी मजबूत कर रहा है। जहां अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में चाइना LAC के करीब ऊंचाई वाले इलाकों में टेंट और शेल्टर का निर्माण कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के सामने हॉट स्प्रिंग मोबदला
रोड की जो चौड़ाई है उसे 5 मीटर से बढ़ाकर 13 मीटर कर दिया गया। हॉट स्प्रिंग मोबदला से 1 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़क बनाई जा रही है जो गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से लगभग 14 किलोमीटर पूर्व में है। दोस्तों चाइना की हरकतें ऐसे समय पर सामने आई हैं जब हाल ही में भारत और चीन 2020 के बाद अपने गतिरोध को खत्म करते हुए गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हुए। दोनों पक्ष बाकी के क्षेत्रों से पीछे हटने के लिए जल्द ही कोर कमांडर लेवल की 17वीं दौर की बैठक करेंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही है कि पैंगुस्तो के उत्तर पूर्व की ओर भी चाइना सड़क बना रहा है। एलएसी से 60 किलोमीटर दूर रोडॉक में चीनी सेना का एक प्रमुख कैंप है। कुछ महीने पहले यहाँ पे 150 टेंट थे लेकिन अब इसमें 80 से 90 टेंट और जोड़ दिए गए हैं और लगातार एलएसी पर इस तरीके की हरकतें देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने एससीओ की एक मीटिंग में चाइना को जमकर फटकार लगाई। यह मीटिंग चीन की तरफ से आयोजित की गई थी। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने सीपैक के बहाने चाइना पर हमला बोला। इस दौरान चाइना के प्रधानमंत्री ली केक्यांग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चीन के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भारत और बाकी देशों की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। हालांकि एस जयशंकर जी ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का नाम नहीं लिया लेकिन कहा जा रहा है कि इशारा उनका इसी तरफ था। हालांकि जिस दौरान एस जयशंकर जी दोस्तों चाइना को फटकार लगा रहे थे तब ये पाकिस्तान इसका जो ये विदेश मंत्री है जिसे पाकिस्तान का दूल्हा कहा जाता है बिलावल भुट्टो उसने तुरंत इसका विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि दोस्तों ये पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है और भारत सीपैक और BRI दोनों को भारत की संप्रभुता के खिलाफ मानता है। हालांकि चाइना ने भारत को BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है लेकिन भारत इसे कतई मानने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चाइना सीपैक के तहत 1124 मेगावाट वाले पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है जो कि अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है। भारत इसका विरोध भी कर रहा है क्योंकि इसके लिए भी POK में जो झेलम नदी है उस पर इसे तैयार किया जा रहा है। यही नहीं इसके अलावा चीन ने इसी प्रोजेक्ट के तहत गिलगित बाल्टिस्तान में भी एक मेगा डैम बनाने की तैयारी कर ली है। हालांकि भारत ने 2020 में ही इसे गैरकानूनी करार दिया था। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों हबनटोटा पोर्ट पर चीनी युद्धपोत पहुंचा और उन्होंने यहां पर आकर ईंधन भरा। ऐसे में भारत सरकार ने श्रीलंका को कड़े तेवर दिखाए हैं। भारत ने श्रीलंका से चीनी सैन्य जहाज में ईंधन भरने और डॉकिंग के लिए SOP के साथ आने के लिए कहा है। भारत ने कहा कि श्रीलंका हबनटोटा बंदरगाह से चीनी सैन्य जहाजों में ईंधन भरने की अनुमति ना दे। आपको बता दें कि श्रीलंकाई जहाज हबनटोटा बंदरगाह से ईंधन लोड कर चीनी युद्धपोतों में भर रहे थे। इसी को लेकर भारत ने चिंता भी जाहिर की। भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी श्रीलंका को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो हबनटोटा में चीनी जहाजों को डॉक करने की अनुमति ना दे। इससे पहले दोस्तों अगस्त में चीनी जासूसी जहाज 6 दिनों के लिए हबनटोटा बंदरगाह पर था। भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी चाइना के वांगयुआंग 5 की डॉकिंग पर कड़ी आपत्ति जताई थी लेकिन दोस्तों श्रीलंका जो अपनी संप्रभुता को गिरवी रख चुका है उसे ऐसा करना पड़ा। और आपको मालूम है कि 99 साल की लीज पर चीन ने हबनटोटा बंदरगाह को लिया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के समय में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।